नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया ने आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रही है कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे आप सभी के पसंदीदा शो सुहागन की। दोस्तों, सीरियल सुहागन के आगे आने वाली ट्रैक में ना आपको देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से हमारे प्यारे से वेदांत को हो जाने वाला है स्वरा से मोहब्बत। जी हाँ, और स्वरा की मासूमियत और स्वरा के इतने अच्छे अंदाज को देखकर हमारे वेदांत अपना दिल जो है हार बैठने वाले हैं स्वरा पर, और ध्वनि से उन्हें इतनी ज़्यादा नफरत हो जाने वाली है कि वो ध्वनि की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करने वाले हैं। और धीरे धीरे स्वरा जो है ना वेदांत के दिल में अपनी जगह बना लेगी, और उसके बाद वेदांत और स्वरा इन दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते नजर आएंगे। हालांकि इन सब के बीच कोयल काफ़ी कोशिश करेगी कि वेदांत और स्वरा के बीच कोई रिश्ता ना बने, ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें, वेदांत स्वरा से नफरत करे। मगर यहाँ हो जाएगा सब कुछ उल्टा। यहाँ वेदांत स्वरा को अपने दिलो जान से भी ज़्यादा चाहने लगेगा, उसकी कद्र करने लगेगा, उसकी केयर करेगा, उससे प्यार करेगा। ये सब देख कर कोयल और ध्वनि को ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये दोनों कोशिश तो बहुत करेंगे दोनों को अलग करने की, मगर यहाँ कहानी में तड़का लगा देगा रुद्र। जी हाँ, क्योंकि रुद्र भेजने वाला है स्वरा और वेदांत को हनीमून पर बाहर, क्योंकि यहाँ रहते हुए ध्वनि के रहते हुए स्पेशली हमारे स्वरा और वेदांत एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। और अब जब रुद्र को ये सब कुछ पता चल चुका है तो रुद्र ज़्यादा से ज़्यादा स्वरा और वेदांत को करीब रहने की हिदायत देते हैं, और इसीलिए दोनों को हनीमून पर भेज देते हैं जहां दोनों इंटीमेट होते नज़र आते हैं। और यहीं से दोनों की कहानी में ना एक गज़ब का तड़का लग जाता है और ध्वनि का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो गाइस, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग शो के आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।